जब यूनाइटेड किंगडम में चाकू अपराध बढ़ गया तो ब्रिटिश आयरन वर्क सेंटर एक विचार लेकर आया। स्थानीय पुलिस बलों के साथ काम करते हुए सेंटर ने देश भर में 200 डिपॉजिट बॉक्स बनाए और एक आम माफी अभियान चलाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1,00,000 चाकू गुमनाम तरीके से आत्मसमर्पण कर दिए गए। कुछ पर के धार पर अभी भी खून के निशान थे। इसके बाद इन चाकुओं को एक व्यक्ति के पास भेज दिया गया, जिसने कुछ चाकुओं के धार को कुंद कर दिया। कुछ चाकुओं पर उसने चाकू अपराध से पीड़ित युवा शिकारों के नाम के साथ पूर्व दोषियों के खेद संदेश गुदवा दिए। उसके बाद सभी 1,00,000 चाकू जोड़कर एक चाकू स्वर्दूत नाइफ एंजल बनाया गया। झिलमिलाती स्टील के पंखों के साथ 27 फीट ऊंची स्वर्दूत की मूर्ति थी। इस चाकू स्वर्दूत के बनने से बहुत से अपराध होने से रुक गए। हम अपने देश और संसार के उज्जवल भविष्य की झलक पाने के लिए कौन सी छुटकारा देने वाली परियोजनाएं पर विचार कर सकते हैं? बुराई का विरोध करने के लिए आपको क्या प्रेरित करता है? आप अपने समुदाय और देश में शांति लाने के लिए क्या कर सकते हैं?